हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खेले 47। और हमेशा की तरह के बाद पहले ही, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो घंटी का नहीं होता ना, उसे ज़रूर दबाइए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और फ्रेंड्स, जो मैं गेम खेल रही हूँ उसका नाम है साइकोपैथ हंट। और फ्रेंड्स, मुझे कॉमेंट मिला था कि भाई ये गेम ग्रैनी की तरह है, इसके कंट्रोल्स थोड़े हार्ड हैं, लेकिन मैं खेल के देखूँ कि कैसा गेम है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। अभी ग्रैनी जैसा गेम है तो भाई ग्रैनी तो भाई हमारे लिए बहुत ही बेस्ट गेम है, बहुत ही मज़ेदार गेम है, उसकी तरह है। तो भाई देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में सिर्फ लैंग्वेज ये सही है भाई, लैंग्वेज फ़िलहाल। और डायरेक्टली हम बाहर जा सकते हैं, यानी कि हमें प्ले करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से इसकी स्टोरी है, लेकिन बहुत ही छोटे इसमें लिखी है। हम इसे बड़ा कर सकते हैं, वैसे बड़ा नहीं कर सकते। और देखिए, यहाँ पे डिफ़िकल्टी है इसकी नॉर्मल, इजी, घोस्ट। अरे यार, इसमें भी घोस्ट है, यानी कि एविल नन की तरह इसमें घोस्ट वाला जो मोड है वो हम खेल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, घोस्ट मोड में हमने एविल नन खेला, यानी कि वो प्रैक्टिस की तरह होता है, जैसे कि ग्रैनी में प्रैक्टिस मोड होता है। यानी कि हम लोग गेम को समझने के लिए, गेम में क्या है ये जानने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे अगर मैं एक घोस्ट करूँ, ये देखिए, द साइकोपैथ कांट सी यू, तो हमें साइकोपैथ नहीं देख पाएगा। फाइव लॉक्स इन द डोर, और लॉक्स होंगे डोर पे पांच, और मेरे ख्याल से नॉर्मल में कितने थे लॉक्स, फोर लॉक्स है। द फ्लोर डजन क्रैक, और ये कोई फ्लोर है वो क्रैक नहीं होगा। ईजी में ओ थ्री लॉक्स हो गए डोर पे, और वही क्रैक नहीं होगा हमारा फ्लोर। हार्ड में फाइव लॉक्स, और एक्सट्रीम में सिक्स, बाप रे, और फ्लोर भी क्रैक होगा, क्या बकवास है। फिर बकवास है नहीं, बहुत मुश्किल है। और उसमें सब फास्ट वगैरह, जैसे कि ग्रैनी होता है। और फ्रेंड्स देखिए, जब मैंने ये सोच रही थी मैं ये गेम लूँ और खेलूँ, तब मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि एविल डन की तरह इसमें भी घोस्ट मोड होगा। तो ये बहुत अच्छा है, मैं सोच रही थी कि भाई देख लेते खेल के थोड़ा, लेकिन ये घोस्ट मोड है तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, हमें ना पता है उसके अंदर कैसे लॉक्स होंगे, ना कुछ भी नहीं ठीक से अगर पता है गेम को, तो प्रैक्टिस के लिए इस तरह खेलना बहुत ही अच्छा है। ग्रैनी में भी उन लोग ने यही निकाला कि बहुत ही लेट निकाला उन्होंने प्रैक्टिस करने का, लेकिन एविल नन में हमने देखा तो हमें पता चला भाई कैसे लॉक्स होते हैं, किस तरह से एग्जिट होता है, क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो इसमें भी भाई घोस्ट है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसमें देख लेते भाई किस तरह के लॉक्स हैं, क्या है, कैसा है वो साइकोपैथ, और हमें क्या क्या मगजमारी करनी पड़ती है, कुछ किस तरह से वो देख लेंगे। और फ्रेंड, जब मैं ये गेम ले रही थी प्ले स्टोर से, तो मैंने उसकी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी, उसके मुताबिक ये था कि एक लड़की होती है जिसे कि एक साइकोपैथ किडनैप कर लेता है और हमें जाके उसे बचाना होता है। मैंने इतना ही पढ़ा था, और फिर मैंने वैसे भी मुझे कमेंट मिला था कि बहुत अच्छा गेम है, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, बस ले लिया। ग्रैनी जैसा है ना, तो चलो भाई ले लेते हैं। तो भाई ले लिया है, और देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से उस लड़की का ही फोटो है, और वो साइकोपैथ है अमेलिया, शायद इसका नाम है अमेलिया लड़की का। और इसमें यही कुछ स्टोरी को बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, वो कौन वो लेके बैठेगा इसको और देखेगा भाई, वो जाने दो, फिलहाल हम यही ले लेते। देखिए इसमें कोड भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा कोड भी लगा, नहीं 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 एक्स्ट्रा लॉक्स लगा सकते। और ये कोड क्या है, नहीं भाई नहीं 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 नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, अरे यार इसमें सेंसिटिविटी वगैरह कुछ करने का है कि नहीं, वो तो मैं पहले देखती हूँ, लेकिन अब क्या करें, मेरे ख्याल से हम प्ले कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। भाई क्या हो गया, अच्छा ओ काश टूटने का आवाज, भाई लोडिंग इतनी होगी तुम्हारी अभी फिर से। अच्छा, जो काश दिखाई दिया था वो मेरे ख्याल से हम लोग ने काश तोड़ी और वहां से कूदे हैं, यहीं पे होनी चाहिए फिर। अरे चल ना यार, तो दीवार में देखो, हमारी बिसात हिलना बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे भी वेरी गुड यार, सेंसिटिविटी हम यहाँ से कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं ग्रैनी जैसे इसकी सेंसिटिविटी फ़िलहाल करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही तंग करती है। देखिए फ्रेंड्स, यही वो है जहाँ हमने तोड़ा और आ गए, लेकिन तोड़ा कैसे भाई, कुछ तोड़ा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, सब गुल हो गया यहाँ पे।
छोड़ो यार, इतना लॉजिक लगाते कौन बैठेगा। तो मेरे ख्याल से हम आए हैं कबाड़ खाने में। बोतल उठा ली हमने, दारू पी लो। देखिए यहाँ पे सब दारू की बोतलें हैं। चलो ये बोतल उठा के हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से ये जो बोतलें वगैरह यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे भी गिरे हुए हैं ना, और भी मैंने देखी थी। हाँ मेरे ख्याल से ये सब बोतल वगैरह ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगी, क्योंकि बहुत सारी बोतलें यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों, ये बहुत अच्छा है, ग्रैनी की तरह हम लोग बैठ सकते हैं। क्या बकवास लेके अभी से ये लेके मैं क्यों घूमू तंबोरे टाइप की। अरे अरे ऐसे कैसे। ओ देखो ये देखो ये देखो, येड़ा आ गया। देखो क्या कर रहा है, नाड़ा पकड़ के बैठा है क्या। येड़ा आया, देखा क्या, येड़े का आवाज़ ही ना उसकी। तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, तो फिलहाल हमें डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अंधा बन चुका है और हम लोग बन गए हैं मिस्टर इंडिया। भाई क्या क्या है, मुझे ठीक तरह से देखना पड़ेगा यार, समझ में। मुझे नहीं चाहिए बोतल, नहीं चाहिए। कितनी बोतल, बोतल ही उठाने दे रहा है। मैं मुझे नहीं चाहिए बोतल, बोतल तुम्हारी। ये देखो फिर से हो गया, बिना आवाज़ के आ रहा है पागल। अभी मैंने क्या किया, बिना आवाज़ के आता है पागल आदमी ऐसे रे, नाड़ा पकड़ के। ये क्या, इस पर हाथ आता है, हाथ पर। ये देखिए जैसे ग्रैनी में हम ऐसे ही होता है ना बेसमेंट में, भाई हाथ वात का निशान नहीं आता, इसको कुछ नहीं करना है। फिर खाम ओ ओ ओ क्या बकवास है, छी एकदम बंडल, कैसे गंदा। ओ ओ हट 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 हट, मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद आ रही। भाई हाथ का निशान कहीं तो आया था, कैसे डरावनी शक्ल है उसकी, वो जोम्बी लग रहा है भाई। किधर तो हाथ का निशान जरूर आया था। ये यहाँ पे क्या होता है, यो लो हाथ किधर, दरवाजा किधर, कौन किधर, पता नहीं किधर गया वो। भाई यहाँ पे मैं खामखा नाच रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यार, इसको कुछ भी नहीं करने का था खामखा। अभी अभी हाथ आया था, ये देखो देखो बंडल, दरवाजा कहाँ पे, हाथ कहाँ पे, और क्या कहाँ पे। भाई दरवाजा नहीं खोल सकता, भाई हम लोग कहीं छुप नहीं सकते क्या, हम लोग कूदेंगे यहाँ से। टुप टुप हट, हम नीचे से आए हैं। ओ इस तरह से जा सकते हैं, पहले हम समझ ले भाई इस घर को। देखो देखो कुछ तो मिल गया, तो ठीक है। हाथ का निशान ठीक आ रहा है ना, अगर यहाँ रखूँ तो ही आएगा बिल्कुल। ये लो, मुझे लगा पास में हाथ का निशान आता है और फिर आता है, उसने वो हटा दिया। भाई ये उठा लेते हैं, ये क्या करेंगे। और भाई चीज़ों का नाम तो बताओ, ये क्या है, कुछ तो है भाई, बैठ जाओ। ये क्या है, हर चीज़ों को हम देखते हुए जाते हैं। भाई हाथ का निशान सही नहीं आता है, एकदम बंडल तरीके से आता है। हाथ का निशान एकदम बंडल है, हाथ का निशान कहाँ पे और हम कहाँ पे, ये देखो निशान कहाँ पे और हम कहाँ पे। भाई बैठ के ही देखते हैं क्या है, पता नहीं ये क्या है, और ये क्या है, इसको कुछ करना। भाई ये ग्रैनी की तरह इसके पास कार है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, डिक्की विक्की नहीं खोल सकते, ऐसे तोड़ नहीं सकते इसके कांच वगैरह। इसको और अपडेट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, ये हम लोग ठीक करो इसको और भाग जाओ, ऐसे भी हो सकता है। और भाई ये दरवाज़ा हमने नया खोला, यहाँ पे जाके देखते हैं क्या देखते हैं यार। बोतल का ही निशान क्यों है, बोतल का ही निशान, हमारे पास बोतल थोड़ी ना है यार। यार देखो हाथ का निशान, चलो अच्छे सारे भगदाड़ बना के रखे हुए इन लोगों ने। भाई इसमें हाइड वगैरह करने का कोई सिस्टम नहीं है क्या, इतनी बड़ी अलमारी है लेकिन हम हाइड नहीं कर सकते। चलो पहुंचते हैं कहीं पे तो इस भुयारी के जरिए। अरे यहीं पे आ गए हम, क्या बकवास है, वहीं पे आए ना, कुछ कुछ किया तो नहीं भाई कुछ। और देखो देखो योड़ा हो गया, योड़े को देखो, गुंजो गुंजी खोपड़ी, कवट्या महाकाल, कवट्या महाकाल है वो, ऐसे ही नहीं है। इधर इधर हाथ का निशान आ रहा है, किधर किधर आ रहा है, ए इधर इधर, एक मिनट, कुछ है भाई हाथ का निशान कहाँ पे। ये एकदम बंडल है इसके अंदर, हाथ के निशान की वजह से मुझे समझ में नहीं आता कोई चीज़ उठाने वाला है या कुछ हम लोग इसमें मिस कर रहे हैं। भाई ऐसे मत करो आप,
क्यों आ रहा है हाथ का? हाँ एक मिनट, बन ड ल। चलो यार यहाँ से चलते हैं। हे देखो हम आ गए, थोड़ी सी अच्छी सी जगह लग रही है भाई, और हमने जो चीज़ उठाई है उसका हम क्या करेंगे? और ऐसे कौन गधा होता है जो टीवी चला के रखता है, उस पर कुछ भी नहीं आता है। भाई आप भले ही साइकोपैथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हरकतें करेंगे। टीवी को तो ठीक से इस्तेमाल करो। हमने ये हटा के क्या किया? चलो यार हाथ का निशान ना गलत जगह पे आता है, समझ में नहीं आता है। समझ लो कि एक तरफ हाथ है और एक तरफ वो चीज़ें हैं, नीचे की चीज़ें उठाता नहीं। यार ये देखो योड़ा हो गया, योड़े को देखो भाई, झम्पर लेके घूम रहा है। हट, ऐसे खींच के दो ना उसको। कहाँ गया ये हाथ का निशान? यहाँ पे क्यों? क्या ऊपर से कुछ निकालना है? ये क्या है भाई? चीज़ों के नाम लिख के बताओ ना भाई, वो क्या है। ग्रैनी में कितना अच्छा होता है और एविल नन में कितना अच्छा होता है, लिख के बताता कि भाई क्या है। ऐसे बकवास करेंगे तो कैसे? जहाट, यस ये है वो आपका दरवाज़ा। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम आए लड़की को बचाने, यानी कि एग्जिट हमारा, हम यहाँ पे कैद नहीं, लड़की कैद है। तो इस तो समझ में ही आ रहा है कि इस रूम में लड़की होगी, तो हमें यहाँ से उसे निकालना है। और यहाँ पे देखते किस तरीके के लॉक है। तो देखिए ये मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है कि चीज़ों के नाम लिख के नहीं बता रहा है। हम खुद ही कयास लगाएंगे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्यों हाथ है? यस इसके लिए। ओ ग्रेट, एक चीज़ तो हमने कर ली, इस चीज़ से और हम कुछ कर सकते हैं? देखिए फाइव लॉक्स बोला ना, समझो हमने एक तो हटा दिया, वन यहाँ पे क्या समझो, ये काटने के लिए नहीं काटता है, इससे नहीं काटता है। वैसे भी हाथ का निशान कहीं और होगा और काम कहीं और करना होगा, ऐसी है। दो तीन चार और रस्सी है पांच, राइट। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे हमने एक लॉक हटा दिया, मेरे ख्याल से इसको लगेगी, हम लोग को कोई की लगेगी यहाँ पे, यहाँ पे भी की लगेगी, और रॉप को काटने के लिए कुछ लगेगा, इसको काटने के लिए कुछ लगेगा। लेकिन ये तो मैं कयास लग रही हूँ, आप लिख के बताओ ना। तो हम अपने दिमाग में कुछ इमेज बनाए कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि यहाँ पे समझो हम लोग को रेड की लगेगी, यहाँ येल्लो की लगेगी, यहाँ पे समझो कैची लग गई या फिर कुछ और लग गया पता नहीं, और यहाँ पे कुछ कटिंग प्लायर्स जैसा कुछ चीज़ लगेगी। भाई ये इन लोग ने बहुत ही बकवास करके रखा है कि चीज़ों के नाम नहीं बताए हुए हैं। तो हम कैसे सोच सकते कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमें खुद ही पता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कैमरा लगा के रखा हुआ है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हमें जो भी चीज़ मिल रही है, समझो जैसे ये चीज़ मिली, अब पता नहीं इन लोग का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर जो भी चीज़ मिल रही है अगर आपको, क्योंकि मुझे लगा था उमूमन गेम में ऐसा होता है कि चीज़ों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन इसमें है नहीं। तो मुझे अब ऐसा करना पड़ेगा, जो भी चीज़ मुझे लगे यानी बोतल के सिवा जो भी मेरे हाथ में चीज़ लगेगी, मैं वो लेके आऊँगी, हर चीज़ पे ऐसा ट्राई करके देखूँगी, कहीं पे तो हाथ आएगा। जैसे यहाँ पे क्योंकि पता नहीं किसको क्या लगेगा, इन लोगों ने बराबर से नहीं लिखा है, ऐसा लिखो ना, यू नीड पैडलॉक की वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखो ना यार, तो बकवास है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल हमें कुछ नई चीज़ नहीं मिली तो इसको हाथ में लेके घूमते हैं, और कहीं भी कुछ भी हो सकता। हाँ वो एक चीज़ यहाँ पे कहीं पे हमें मिल गई थी, ये चाबी, येड़ा आया लगता है, येड़ा गायब हो गया। येड़ो देखो, और येड़ो का नाड़ा पकड़ के घूमता है। ये क्या है? अच्छा ये मैं बोला क्या, ये चाबी, हाँ चाबी लेके जाते हैं ना भाई वहाँ पे। दो ये हैं हमारे लिए, उनको हम देखते हैं। चाबी ना, हाथ कहीं और होगा, दूसरी जगह होगा, हम इस्तेमाल दूसरी जगह करना है। नहीं इसकी चाबी नहीं है भाई, हम किसकी चाबी उठाए वो तो लिखो ताकि हम करें। देखो ये दो हमको दिख रहे लॉक, लेकिन हम कुछ नहीं करते। तालों की चाबी नहीं है क्या? फिर चाबी लेके क्यों घूम रहे हैं हम? मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे चाबी का इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। और एक रोप है इतनी बड़ी ले आ रही, यहाँ तक कहाँ पे जा रही है ये? छोड़ो यार, मेरे ख्याल से ये चाबी कुछ कहीं और लग रही होगी। और ये हाथ का निशान यहाँ पे, चाबी यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। यार ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम यहाँ से जंप लगा सकते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, हम जंप लगा सकते हैं, ये तो अच्छा किया है इन्होंने। ये देखो हाथ किधर तो था, किधर हाथ था यार, बकवास हाथ।
ये मुझे बहुत बकवास लग रहा है कि निशान कहाँ है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। देख लो भाई, छोटी सी चीज़ दिख रही नहीं, कुछ भी नहीं है, खामा खा। भाई कुछ, ये चाबी किस चीज़ की है? किसी अलमारी उलमारी की है क्या? देखो हाथ, मुझे पता है वो क्या उठाएगा, वहाँ से उठाएगा वो सड़ी हुई बोतल उठाएगा। दारूडा है ना वो, एक नंबर का बेवड़ बेवड़। देखो ये देखो, मेरे ख्याल से ये वायर्स काट सकते हैं हम लोग इससे, लेकिन फिलहाल ये चाबी लेके जाए। और अगर मैंने यहाँ पे फेंक दी तो मुझे पता याद ही नहीं रहेगा मैंने कहाँ फेंकी। ये हम इस चीज़ को याद रखते हैं, देखिए ये जो है ना, जहाँ से हम कुदी मारते हैं, जो कि मेन वहाँ पे जो दरवाज़ा है यहाँ से, तो समझो ये किचन है और यहाँ पे ये चीज़ है, ये याद रखेंगे। पहले मैं ये चाबी देखती हूँ। हट ना हट, गंजा कौटा मा कौटी महाकाल, क्या कौट्या महाकाल, एक मराठी मूवी में विलन का नाम है कौट्या महाकाल। मैं दरवाज़ों को नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। देखिए हॉल है और ये है दर, ये देखो येड़ा, मेरे को समझ में नहीं आता इतना बड़ा वो लेके घूम रहा है काटने का। वो बूचर लोग काटते, बूचर ही है वो तो, काटता है क्योंकि उसमें लिखा था इस, क्या यार जब मैं गेम ले रही थी उसमें, कि वो बूचर है तो बूचर के वो अपने इससे, अगर हमको मुझे बताओ ग्रैनी हमें डंडा मारती है तो हम सिर्फ बेहोश हो जाए, अगर ये देगा हमें एक इस चीज़ से तो हमारे दो टुकड़े नहीं हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है कि ये हॉल है ना, तो ये शायद मेन दरवाज़ा है, ये वैसे भी नहीं खुलता है, तो इसकी भी शायद कहीं से चाबी लेके आनी है क्या। और देखो हम ऊपर जाके देखते हैं, हमें कुछ ये चाबी किस अलमारी की है, किस लॉकर की, वो देखते जाएंगे। भाई भाई वो देखो क्या हो, हैमर है शायद। भाई मैं ये याद रखूँ या फिर इस चीज़ को मैं कहीं फेंक दूँ और फिर ये जो मुझे मिल रही है चीज़ें उसका इस्तेमाल करूँ? नहीं सच्ची में यार बहुत अलग है, देखो यहाँ पे भी है, हम लोग इसमें से गिर सकते हैं क्या खड्डे में से? हमें एक एक चीज़ देखते हुए जाएंगे। हाँ ओ भाई ये छी क्या, काट के वट के रखा ऐसे रखते हैं क्या कोई अलमारी? ओ हाँ, वो क्रैक वाला ये सिस्टम है, हम ऐसे गिर जाते हैं फिर एड़े का आवाज़ नहीं है कि ऊपर किधर गया, वो इधर आना चाहिए था उसे। भाई इस चाबी का कुछ करो, मैं पहले ऊपर जाके सारे रूम देखती हूँ वो चाबी और ये जगह याद रखती हूँ। तो घूमते बैठ, एड़ छाप की तरह घूमते बैठ, वैसे एक नंबर का ये एड़ा है भाई क्या। बट देखिए मुझे लग रहा है बुलेट्स हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो गन मिलती होगी। ये बहुत अच्छी बात है यार, ये गन भी मिलती है हमें ग्रैनी की तरह, और हम इस एड़ी को भी ठिकाने लगा सकते हैं। भाई कुछ भी नहीं है, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या मैं करूं क्या ना करूं? भाई तू अटक क्यों गया, बैठ जाओ इसे हटा दो। अरे भाई नीचे का नजर नहीं आ रहा, इसे बंद नहीं कर सकता, कुछ लेना है तो हमको कैसे समझेगा क्या इडियट की तरह हम लोग को हर। ये क्यों, ये क्या, इसको क्यों बोतल क्यों टूट गई? यहाँ पे जा भी लगानी है। यो देखो, ऐसे ही नहीं है ये, यहाँ पे है गन, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है क्योंकि ये अड़ा वैसे भी मुझे नहीं देख सकता। जा जा ज़ॉम्बी के बच्चे, जा वहाँ पे मर जा तुम। भाई यहाँ पे हम लोग हाइड नहीं हो सकते, ये इन लोग का अलग एक बकवास सिस्टम है, हाइड नहीं हो सकते, वो तो मेन खासियत है हमारी हाइड होना। इसे फाड़ेगा, उस पेंटिंग को फाड़ दिया बस। भाई इतनी बड़ी अलमारियाँ रखी है और हम लोग उसमें छुप नहीं सकते, क्या बकवास है। यू 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 कुछ है, देखो हाथ दिया। भाई नाम लिख के बताओ मुझे कैसे याद रहेगा ये सब चीज़ें, मैं खामा का सड़ी हुई चाबी लेके घूम रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। चाबी देखो, देखो येड़ो, देखो येड़े को देखो, वहाँ पे क्या सुनाई दिया तुझे, यहाँ पे क्या कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था यहाँ पे, हट छे बाथरूम में। मुझे कितनी चीज़ें नज़र आ गई, एक मुझे वो वायर काट सकते हैं हम वो, और कटिंग प्लायर्स हमें नज़र आ गए हैं, और बाद में हमें हैमर नज़र आ गया, हमें वो वहाँ पे नज़र आ गया वो टिकट जैसा, और कुछ नज़र आया क्या? बकवास है भाई तुम लोग, छी यार ये क्या करके रखा है टब के अंदर, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं चाबी लेके घूम रही हूँ, सो मैं क्या करूँगी, मैंने सारे देख लिए कमरे में, फिर से नीचे जाती हूँ। वो है ना गाना कौन सा, तो बिन ताले की चाबी लेके हम घूम रहे ऐसी मारे मारे, ऐसा कुछ ना वैसी ऐसी है वो, बिन ताले की चाबी लेके फिरते मारे मारे, ऐसा कुछ है वो गाना ऐसी। हाथ हाथ आया था, हाथ आया था, हाँ
वाट इज दिस, यानी कि चाबी यहाँ इस्तेमाल होती है। तू लिख के बताओ ना, कार की या क्या बोलते, डिक्की की या कुछ होगा ऐसा लिख के, हमको कैसे पता चलेगा। और इसका क्या करे, टकले पे मारे उसके जाके, फिर से हाथ का निशान, हट बंडल, हट ना तू रेड़े कहीं का, रेड़ा आदमी, हट हट बैल मारा कहीं का, हट। ये जाके अभी उसके मुंह पे दू क्या, ये देखो तू छू कितना गंदा है, अब यहाँ से क्या उठाने दे रहा है, ये फिर से हाथ है, किधर हाथ और हुआ क्या, ये देखो 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 हमको एक चाबी मिल गई है, मुझे लग रहा है वहाँ पे रेड की और कौन सी की थी, कोई तो मैंने देखा था, कोई की थी यार, हाँ हाँ एक मिनट, दोनों तालों पे इस्तेमाल करके देखा, रोज चाबी वहाँ की तो यहाँ की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई ब्लू नहीं है, ब्लू ब्लू यस, तो यहाँ पे एक चाबी रह गई और ये रह गया, हमें इसे काटना है और कुछ नया करना है, रोप यहाँ कहाँ यार, ये देखो यहाँ से बांध कर ऊपर तक ले गए हैं इसे, तो इसे शायद किधर काटना होगा कैची वैची से, तो चलो इतना काम हो गया, यहाँ पे मिलती है ये ले लेते हैं, अभी मुझे नहीं लगता इस चाबी का और इस्तेमाल होगा, और ये चाकू को मैंने देखा नहीं, चाकू से काटेगा क्या, वो रस्सी काटेगा, और दूसरी बार क्यों नहीं काटता है, काटना तो चाहिए था ना, पता नहीं यार, एक ये वायर और ऐसी दो वायर्स मैंने देखे हुए, चलो वहाँ चलते, पता नहीं वो कहाँ है क्योंकि मुझे याद नहीं है वो जगह कहाँ थी, यस यस, एक ही वायर काटेगा तो इसके लिए और भी कुछ लाना पड़ेगा, अब ये क्या है, वो बोतली होगी बंडल सी, मैं क्या करूँ भाई, ये तो ब्लू क्या उसने क्या काटा, कौन सी वायर काटी, ये देखिए ग्रीन वायर काटी उसने, और लेकिन ये क्या है, हाँ उसने वो रेड वाली नहीं काटी, तो उसका क्या करेंगे, मुझे ये याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ पे चीज़ें फेंकी, इससे काटता है क्या जाके देखते, एक मिनट ठहरो, उससे काटेगा नहीं, उससे तो उसने वो स्क्रूज निकाले, उसका कुछ क्या करेंगे, इससे नहीं करता होगा वो, देखो नहीं करता है, इसका कुछ करना पड़ेगा यार, मैं अभी हैमर लेके आती हूँ, हैमर का करूँगी क्या, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, हैमर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, हैमर ऊपर था ना, हैमर का इस्तेमाल अब मैं क्या करूँ, अभी वहाँ पे जो चीज़ थी वो तो लकड़ी की जो चीज़ थी वो तो गिर गई, हमने जब उसके कीले निकाल दिए तो, और ये क्या जाके उसके सर पे मारेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है इसका, मारो इसको, इसको दे खींच के छी, मुझे उसकी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा, हट जा वहाँ से, निकल जा तू पहले, हट आया बड़ा भी इसका, अच्छी है कितना गंदा है, क्यों लोग ने ऐसा बना के रखा हुआ है, हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते क्या इसके अंदर, क्या है, हेल्प मी, कौन लिखा है, फिर से ये देखो, कोई सोच सकता है क्या कि जाके हमको मिरर तोड़नी है, कोई इस चीज़ हैमर हमारे हाथ में आते हम क्या सोचेंगे, ये मिरर तोड़ना, ये ऐसा है भाई, इस गेम को आप कैसे समझेंगे, इत्तफाक की चीज़ों का भाई, इसमें शायद कोड लगेगा, हाँ यार वो टिकट जैसी चीज़ थी, मेरे ख्याल से वो कोड है, और ये क्या है, इस लकड़ी का क्या कर, देखो योड़ा हो गया, मेरे ख्याल से योड़ा हो गया, इसकी शक्ल मुझे बहुत करीब से देखनी पड़ेगी, हट 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 कहाँ गया भाई, येड़ा ही था ना यहाँ पे, क्या मुझे गलत फहमी हो रही थी, ये रेड रेड क्या है, देखो उठाता है, ये बंदूक तो नहीं है भाई हमारे पास, ये लेके क्यों हम, हाँ एक मिनट, मेरे ख्याल से कोई चीज़ है, हम जाके वहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं, मैंने सोचा जो भी से चीज़ मिलेगी वो जाके हम उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, क्या है यार, यहाँ पे जाके इस्तेमाल करें, इसका कुछ करना है नहीं, लेकिन इसे बंदूक की तरह क्यों दे रहे हैं, यानी कि हम लोग शूट कर सकते हैं, इसे शूट करना है, ये वाला शूट करना है, निशाना पकड़ के कर सकते हैं, नहीं यार मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है, बकवास लग रहा है, क्या इसे शूट करना है, ये मुझे बकवास लग रहा है कि इसे शूट करना है कुछ भी सोच रही हूँ मैं, क्या करूँ, इसको शूट करना है, ये बकवास है, तो फिर हम ये लेके क्यों घूम रहे हैं, क्या है, बंदूक जैसा क्यों दिया है इसने, थेरो हट बंडल, फिर उठा सकता है, नहीं उठाता, छोड़ो यार ये क्या बकवास चीज़ है, हम क्यों लेके घूम रहे हैं सड़ी हुई चीज़, छोड़ो कोर्ट का मैं देखती हूँ क्या है, एक मिनट ये जाने दो,
इसे वहीं पे छोड़ देते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है? या फिर उसको एड़े के तो नहीं मारना है? हमको बंदूक की तरह दे रहा है तो एड़े को तो नहीं मारना है? फिर 1 मिनट पे एड़े को जाके मारते हैं। ये देखो इधर ही, इसकी शक्ल देखो, हट हट, देखो ना ऐसा टब में गिरता है कि, देखते हो देखो 1 मिनट। आपने बराबर जगह पे मारा उसको। 20 सेकंड के लिए? क्या 20 सेकंड को मतलब है क्या? 20 से हाथ क्यों आ रहा है? तो देखो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। है, ड्रैग करो ड्रैग करो, इसको इधर ही फेंक दो, इसके अंदर जा, मर जा, इसके अंदर जा जा। ओ लो, वो भी गायब होता है। अगर वो इंसान है तो गायब क्यों होता है? चलो जाने दो। यानी इसके अंदर ये भी चीज़ है कि वो वहाँ पे जाके मुझे उसका इस्तेमाल नहीं करना था, मुझे उसका इस्तेमाल करना था इस एड़े के ऊपर। ये देखो 7 थ्रेड, ये याद रखूँ मैं। ये एड़ा देखो नीचे से आ गया, यहाँ पे हमें कोड लगाया मैंने। ओ देखो देखो, हमको ये की मिल गई है। मेरे ख्याल से ये दूसरा जो लॉक है ना उसकी होगी। चलो यार, कुछ तो काम की चीज़ आई। आई नहीं, मिली यार, हमने वो ली है, हमने वो मेहनत से हासिल की है, यहीं पे होना चाहिए। हाँ अब क्या रह गया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खुल गया। देखो ये ग्रीन ग्रीन हो गया, यानी कि खुल गया सच में। देखिए यहाँ पे रेड था ना, एक ग्रीन था एक रेड था, अभी ग्रीन हो गया, खुल गया। अभी इसे भी रोप रहेगी ना, इसके लिए अब क्या लाए, क्या कर रही, क्या ना कर रही, क्या कर रही भाई, क्या कर रही? कैसे एड़ी की तरह घूम रहा है? येड़ा है वो, येड़ा येड़ छाप है। और मैंने सारी जगह ढूंढी ना यार, मुझे कुछ नई चीज़ तो अभी और मिली नहीं। मुझे जो चीज़ें मिली वो मैंने इस्तेमाल की ना। 1 मिनट ठहरो, हमारे पास है शॉर्टकट। एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने सारे लॉक्स खोल दिए। देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दो ये थे लॉक्स थे, वो हमने तोड़ डाले, नीचे गिर गए, यानी कहाँ गायब हो गए पता नहीं। और ये देखिए दो ग्रीन हो गई ये चीज़ें, मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ काटने के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं, एक ही चीज़ दो काटनी तो हमने काट ली। और कुछ था ना यहाँ पे, हाँ, और एक यहाँ पे वो था वुड प्लांक, उसे हमने हटा दिया, उससे उसके नील ये क्या बोलते हैं कीले निकाल दिए, तो गया। ये एक चीज़ रहेगी, और मेरे ख्याल से मैंने सारे कमरे देखे ना, तो इसके लिए मैं क्या लाऊं, कैंची वगैरह या चाकू वगैरह? यहाँ पे एक चाकू था ना, ठहरो यार तू ऊपर है, यहाँ पे एक चाकू है, चाकू ले 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 ला 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 ला। बकवास है बकवास है भाई, ये चाकू नहीं उठाता। अब और मैं किधर जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग हो। देखिए ये मुझे समझ में नहीं आता, देखिए यहाँ पे जब हम पहले आए थे तो इसके ऊपर हाथ वाथ उसने दिखाया नहीं था, अगर दिखा तो और बताता भाई ये तुम अभी नहीं खोल सकते, तुम्हें इसके लिए की चाहिए, तो इंसान उसके ऊपर की का इस्तेमाल करेगा ना। उसके लिए तो या तो वो एड़े की तरह पूरा हर जगह वो चीज़ें लेके घूमे, या फिर ऐसे कयास लगाए, ऐसा होगा तो ऐसे इन लोग ने करके रखा हुआ है। तो अभी मुझे ये बताओ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कैंची जैसी कोई चीज़ ही नहीं मिली, और जो मेन चीज़ होता है चाकू, वो छोड़ के वो कैंची क्यों ढूंढेगा? तो मैंने सारी चीज़ें देख ली है, तो अब मैं क्या करूँ उसके लिए, क्या करूँ भाई? और कोई चीज़ तो मिली नहीं ना मुझे, और क्या चीज़ मिली? कोई मिस की मैंने चीज़? और एक चीज़ है, मैंने कोई चीज़ मिस की? मैंने तो सारी चीज़ें उठा ली ना, और कोई रह गई? और कोई रह गई क्या? क्या मैं इसे पॉज करके पूरा फिर से घर ढूंढते बैठूँ? चलो मैं पॉज कर देती हूँ, देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा घर ढूंढा के कोई फ़ायदा नहीं, और जब मैंने सोचा कि मैंने सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन एक चीज़ है ये गन, इसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो हम इसको मारने के लिए करते होंगे ना। और इसकी बुलेट और लेता है, एक टाइम में एक ही लेता है ये तो। इसके वो येड़ा होगा उसके लिए होगी ना, कहाँ गया येड़ा? येड़े कोटिया महाकाल, ये देखो कोटिया महल को बुलाओ तो बुरो बुरा हो गया, वो फिर से दे देते हैं इसको 1 मिनट। कैसे भाई, 20 सेकेंड ही बस, हर जगह 20 सेकेंड ही, उसको हम लोग फिर से खींच सकते हैं? मैं क्यों खींचते बैठूँ? क्या करूँ यार, एक यही चीज़ है जिसका मैंने इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया है, तो ड्रॉप हम इससे काटेंगे जाके उसको।
देखिए मुझे एक आप बात बताइए, मैंने सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, पूरा घर ढूंढाड़ लिया, मुझे कोई और चीज़ नहीं मिली, एक यही चीज़ रही है जिसका हमने इस्तेमाल वहाँ नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताओ इसको कैसे हम उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। शिट यार यार, एक बुलेट रह गई है और ये एक बुलेट। छी यार, तुम मत इधर शक्ल मनहूस अपनी मत दिखा पागल आदमी। ऐसी हरकत करेंगे हम, कहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे। भाई ये तो उतने अपने हाथ से भी खोल सकता है ना येड़ा आदमी। कहाँ पे शॉट मारेंगे हम इसको, कहाँ पे मारेंगे इसको। वाकई मैं जब वो लेके आई थी ना डार्ट, वो एक बेवकूफ़ी थी, तो ये भी बेवकूफ़ी है ना। कहाँ पे मारेंगे, मैं कहाँ पे मारूँ, क्या बकवास। कहीं तो निशाना तो दो, कहीं तो आप रेट करो, क्या मतलब है इस चीज़ का। कहाँ पे बंडल बंडल चीज बना के रखते हैं ना। अभी मुझे क्या करूँ मैं इसका, क्या हुआ, कुछ हुआ, हट। क्या करेंगे यार, इसी बेवकूफ़ी दिखाएंगे तो कैसे होगा। तो वहाँ पे हमने मार, उसका एक ऊपरी छोर है और ये एक छोर है, बीच में से मारने से कोई मतलब तो है नहीं। खैर एक एक काम करते हैं हम, उसके निचली छोर पे हमने मारा उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला जो छोर है उस पर ट्राई करते हैं। चल ना तू, चल हट, राक्षस का बच्चा, राक्षसी राक्षसी अवतार है उसका, राक्षसी। मार सकते हैं, मार सकते हैं, ये बोलो नहीं कोई यर। मेरे ख्याल से वहाँ पे एक मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे वहाँ पे लेके फिर से गई थी उस रूम में, ये देखने के लिए कि अगर हमने कोई बुलेट वेस्ट करे और हमें कहीं और इस बुलेट की ज़रूरत है, जैसे हम जो इस बुलेट से हमें कुछ और तोड़ना है। जैसे देखिए वो हैमर से हमने वो आईना तोड़ दिया, तो उसके पीछे हमें मिल गया था कोई भी चीज़, हम सोच नहीं सकते कि उससे आईना तोड़ना है। इसी तरह अगर इससे हमें कुछ और तोड़ना है और वहाँ पर हमें कुछ मिल जाता है जो इस रस्सी को काटे या कुछ उखाड़ दे या कुछ भी, तो ऐसी कोई जगह तो मुझे नहीं मिली। और अगर इसकी अगर बुलेट वेस्ट हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी, मैं जाके देख रही थी वहाँ पे बुलेट मिलती है क्या। तो वो जहाँ से मैंने उठाई अब वहाँ पे कोई बुलेट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ये इसका एक छोर है और ये एक ऊपर वाला छोर है। अगर मैंने जितनी मुझे चीज़ें मिली उसमें से मैंने सारी यूज़ कर ली है, यहाँ पे आके भी मैंने देखा डार्ट का भी इस्तेमाल किया, अब यही एक चीज़ रही है और इसका एक इस्तेमाल करके देखते हैं। हो सकता है जैसे मैंने डार्ट का इस्तेमाल किया वो बेवकूफ़ी थी, ये भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। कोशिश करेंगे लोग, इन लोग कुछ नाम वगैरह तो बताते नहीं है कि भाई इसका इस्तेमाल करो या उसका इस्तेमाल करो, तो बीच में कहीं मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्होंने बताया कि एक यहाँ पे एक छोर है। और देखिए इन लोग ने लिखना ही चाहिए था कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल है। अगर मैं यहाँ पे एक बुलेट वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि कहीं पे कहाँ से और बुलेट लाऊँ, फिर एक गेम मेरा एकदम कबाड़ा हो जाएगा गेम का, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हमसे मारे और वहाँ से कुछ मिल जाए, कोई आईना वाइना नहीं मिला। तो मैं अभी मैंने यही सोचा कि सारी चीज़ें यहाँ पर ला के इस्तेमाल करते हैं, तो बस यही एक चीज़ रह गई है। और प्लीज़ मुझे यहाँ पर धोखा मत देना, या फिर इसे मारना है। ओफो, या कुछ और जगह है जहाँ पे हम इसे मारते हैं तो कुछ खुल जाता है। मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ इस गेम में कि हर चीज़ को मैं यहाँ पे लाके इस्तेमाल करूँ। मैंने डार्ट का भी इस्तेमाल किया था लेकिन वो उसको एड़े के लिए था, इसका इस्तेमाल भी तो हम लोग एड़े के ऊपर ही करते हैं, तो इसका इस्तेमाल यहाँ करने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई बेवकूफ़ी भी कर रही होंगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए अगर मेरा ये कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं ये ज़्यादा आगे इस वीडियो को नहीं बढ़ाऊँगी। आप फिर मुझे वो आइडिया बता दीजिए ये कहाँ पे क्या होता है प्लीज़। चलो देखते हैं, ये कोशिश करके देखते हैं। वाकई सच में ऐसा था, सच में ऐसा था, सच में। देखो लड़की, यार वो सच में वैसा था, वाकई वो ऐसे ही था। लेकिन यार कोई कैसे सोच सकता है कि भाई इसको लेके जाना है, लेके जाना है। नहीं हम लोग नहीं चला रहे, मुझे लगा भाई उससे बचाते हुए हमें भागना है। चलो निकल गए ना, देखो देखो येड़ा कैसे रह गया, नहीं ग्रहणी की तरह देखते रह गया कुछ। द एंड फ्रेंड्स, लेकिन मुझे ये पता ही, कोई कैसे सोच सकता है कि उस चीज़ का उसके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है।
भाई ये एकदम अजीब है, साइकोपैथ गेम है, बनाने वाला भी साइकोपैथ है। अरे भाई कोई सोच ही नहीं सकता उन चीज़ों का वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता। भाई लिख के तो दो एटलीस्ट, ये क्या बकवास है, ये बकवास है भाई। मैं बोल रही हूँ क्योंकि इन लोग के ऊपर उन्होंने कोई चीज़ों के नाम नहीं लिखे। भाई आपको यहाँ पे बैटरी लगेगी, आपको यहाँ पे पेडलॉक की लगेगी, आपको यहाँ पे मास्टर की लगेगी, कुछ भी नहीं लिख के बताया। और ये कोई भी नहीं सोच सकता है कि वो जो रॉप है, वो जो रस्सी है, उसके लिए हमें बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एकदम बकवास है, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। मैं यही कह रही थी कि अगर मेरा यहाँ पे गेम अगर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, अगर नहीं तो मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं आपसे ही हेल्प मांग लूँ कि भाई मुझे कमेंट में बता दीजिए भाई उस रस्सी का क्या करना है। तो ये तो बस एक चीज़ थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ बची नहीं थी और मैंने तब भी पहले ही सोच लिया था जब उसके ऊपर कोई नाम नहीं आया लिख के, तभी मैंने सोचा था कि जो भी चीज़ मिलेगी भले ही कितनी वाहियात, कितनी बेवकूफ़ाना लगे वो चीज़, जैसे को डार्क लेके मैं आई थी और उसे भी मैंने उसके ऊपर यूज़ किया था। तो उस तरह से मैं सोच रही हूँ कि यही कि कितना भी वाहियात लगे, कितना भी बेकार लगे, लेकिन मुझे अब इसके इस्तेमाल के सिवा कुछ नहीं। तो भाई वो तो अच्छी बात है कि एक वहाँ पे बुलेट बची थी, वरना मैं यहाँ वहाँ मार देती समझो उस कैमरे के ऊपर। पता नहीं कहीं पे बुलेट्स और मिलते भी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पछाड़ा ये सब जगह लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं। और इन लोग कहीं भी हाथ का निशान नहीं बताते, जैसे कि वो कार के डिक्की पे कि भाई अभी आप नहीं खोल सकते, इसको कार की लगेगी वगैरह वगैरह। तो ये इसके अंदर बकवास चीज़ है, जो पहली बार खेलेगा तो पागल ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी उतना पागल नहीं होगा क्योंकि मैंने भी खेला, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे उसे लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है। ऊपर से हाथ का निशान हर जगह नहीं आता, गलत जगह पे हाथ का निशान आता है। तो ये तो बस मैंने इसलिए किया घोस्ट मोड। अगर घोस्ट मोड में नहीं खेल रही होती, इजी खेल रही होती, तो मैं डेफिनेटली पागल हो जाती मैं, क्योंकि भाई कहाँ ढूंढते और वो आते रहता तो क्या करते, और इतना देर सोचने में मौका मिलता क्या भाई इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसको जाके देखते, ऐसा कर सकते थे क्या? तो नहीं। तो अच्छी बात है घोस्ट मोड था तो हमने कर लिया। और ये हमेशा रहे भाई ऐसी चीज़ों पर नाम नहीं आते, तो आप यही कहिए जो भी चीज़ कितनी भी वाहियात लगे जाके इस्तेमाल कर लो, हर लॉक्स पे जाओ, यही कर सकते हो आप। तो यही एक है भी मैंने सीख लिया है सबक कि जहाँ पे नाम नहीं आते, कितनी भी वाहियात चीज़ कितनी भी बेकार लगे कि ऐसे नहीं हो सकता, जाके वो इस्तेमाल कर लो, शायद हो जाए। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये गेम इसके कंट्रोल्स हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी है, हम उसे कंट्रोल कर सकते, बहुत अच्छी बात है। और ये गेम मेरे ख्याल से इजी में खेल सकते, क्योंकि पहले घोस्ट में खेलो फिर ही भाई इजी में खेल लो। अगर मैं इजी में खेलती तो मुझसे नहीं होता। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, तो ये गेम खेल सकते हैं। इतना भी भारी नहीं लगा मुझे, इसमें हाइड हो नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी है, बोतल वगैरह रखी है, तो हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और देखेंगे मुझे अभी ये कैसे मारता है और इसके पास क्या होता है, मुझे नहीं पता कि दिन होते हैं, जैसे आपके पास इतने दिन बचे क्या होता है, और हम जागते हैं तो कहाँ जागते हैं मुझे नहीं पता। तो उसके लिए इजी वगैरह लेके देखना पड़ेगा कि जब हमें वो मारता है तो हम कहाँ जागते हैं और क्या लिख के आता है आपके पास, कितने दिन हैं, क्या क्या है, वो देखना पड़ेगा। मीन्स जैसे एंटिटी में हमारे पास तीन रहते हैं, जब हम इजी वाला लेते हैं तो उसमें तीन हमारे पास लाइफ रहती है, ग्रेनी में फाइव रहती है, उस तरीके से इसमें क्या रहता है पता नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही गेम प्लेस के लिए और दूसरे जो हमारे फनी वीडियोस है उसके लिए हमारे चैनल अखिल पटिसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाद जो घंटी का निशान होता है उसे ज़रूर दबाइए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और जिन्होंने हमें ये गेम सजेस्ट करा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उसी तरह का एक और हमें उसी टाइप का गेम दिलाने के लिए, एक यड़छावाद आदमी से मैं मिलवाने के लिए अभी तक, लेकिन उसने हमें मारा नहीं है, हमने सबसे मार खा ली, जैसे ग्रेनी से डंडा खा लिया, एविल नन है उससे हमने हथौड़ा खा लिया, एंटीनिटी तो हमें सीधा सीधा हाथ पंजा उससे हमने खा लिया, ये कैसे मारता है पता नहीं, लेकिन इससे बहुत डर लगता है, तो दो टुकड़े ही कर देता होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे ही गेम प्ले में, और बस इतना ही फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।